आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देशवासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी, सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। लेकिन भारत की आजादी के आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। हम सब जानते हैं बापू को जहां स्वदेशी, स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया, वहीं स्वच्छता भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का उद्घोष करके पूरे भारतवासियों को सुरक्षा के प्रति भी और आत्मनिर्भरता के प्रति भी आह्वान करने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, पूज्य बापू के परम अनुयायी भी थे। आज इन दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रति नमन करने का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते हुए